अब तो कुछ बोलो, अब तो मुंह खोलो। 100 से ज्यादा कोख उजड़ गए, क्या दर्द नहीं होता? क्या उन माओ की चीख सुन नहीं पाती सरकार? हो सकता है सुनती भी ना हो। जो बेरहमी से ये कह सकती है कि अगस्त में बच्चे तो मरते ही हैं, वो कुछ भी कर सकती है। याद है ना आपको, जब इसी सरकार ने कहा था कि अगस्त में बच्चे तो मरते ही हैं। बच्चों की डेथ के बारे में आता है कि 20-23 बच्चों की डेथ हुई है एक दिन के अंदर, तो चौंकाता भी है और चौंकाना भी चाहिए। इस बार अगस्त में भी मरे और सितंबर में भी मर रहे हैं। यूपी में मौत का तांडव चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 116 मौतें हो गई। फिरोजाबाद में 65 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मैनपुरी में 20 बच्चों की सांसें उखड़ गई। फरुखाबाद में 9 बच्चों की जान चली गई। मथुरा में 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 250 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। गाँव में भी 100 से अधिक मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में करीब आधा दर्जन बच्चों ने फिर दम तोड़ दिया है। 2 सितंबर को करीब 8 बच्चों की मौत हो गई थी। अब तक यहां 75 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 65 बच्चे शामिल हैं। 50 बच्चों की ब्लड सैंपल की जांच हुई तो पता चला उन्हें डेंगू था। हर साल ऐसा होता है, लेकिन सरकार इन मौतों को सिर्फ फाइलों में आंकड़ा बनाकर दबा देती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया। लोग समझ नहीं पा रहे मौत की असली वजह क्या है। लोगों को बुखार होता है और उनकी हालत बिगड़ जाती है, फिर लोग अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। मथुरा में भी लोगों को बुखार हुआ, उनकी डेथ हो गई। यहाँ भी लोगों को एक रहस्यमयी बुखार अपनी चपेट में ले रहा है और धीरे धीरे उनकी जान निकलती जा रही है। मथुरा में 48 मरीजों में इसके लक्षण मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। जांच होने पर इनमें से कुछ ही लोगों में डेंगू पाया गया है, लेकिन ये डेंगू भी आम तौर पर होने वाले डेंगू से बिल्कुल अलग है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे लेप्टोस्पायरोसिस मान रहा है। इसमें सारे लक्षण फ्लू के होते हैं, जो संक्रमित कुत्तों, चूहों और फार्म में पाले जाने वाले जानवरों के मलमूत्र से फैलती है। लेप्टोस्पायरोसिस जानवरों से सीधे इंसानों में नहीं होता और ना ही ये मच्छरों से फैलता है, लेकिन इसके सारे लक्षण डेंगू वाले होते हैं। रहस्यमय बुखार ने लखनऊ तक भी पांव पसार लिया है। इसी बीच 200 से ज्यादा बुखार पीड़ित अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। बलरामपुर सिविल अस्पताल, लोहिया अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल और भाऊ राव देवरस समेत कई अस्पतालों की ओपीडी में बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बाराबंकी में डेंगू के 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। इतना बड़ा सरकारी सिस्टम, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार दावे के साथ कहती है कि कोरोना काल में तो अद्भुत काम हुआ, फिर जब मासूम बच्चे और लोग तिल तिल कर बुखार से मर रहे हैं तो सिस्टम क्यों मरता जा रहा है? वैसे इस पर राजनीति तो होनी ही थी, और इस बार तो खास तौर पर क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव होना है। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया और लिखा, वायरल फीवर की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या यूपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से कोई सबक नहीं लिया? सारे रिसोर्सेज को तुरंत लोगों की हिफाजत के लिए लगाना चाहिए। जानते हैं सरकार की काहिली ने क्या कर डाला? यकीन नहीं होता तो अखबार की इस हेडलाइन को पढ़िए। बेकाबू डेंगू की वजह से लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। 3 हफ्तों में 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार इन आंकड़ों को भी दबाने पर लगी है। अब लोग अपने बच्चों को दूसरे जिलों में रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रहे हैं, ताकि वो महफूज और जिंदा रह सके। राम राज का सपना दिखाकर सड़क पर लापटका है सरकार ने। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति हो रही थी, अब समझ में आया कि मोदी जी को पब्लिक के मुद्दों से ज्यादा शमशान और कब्रिस्तान के मुद्दे क्यों प्यारे लग रहे थे। पहले कोरोना और अब रहस्यमयी बुखार, जो लगातार लोगों की जान ले रहा है।